नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज हम बात करने वाले गेल के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में, गेल इंडिया के किस तरीके के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, क्या स्टॉक में यहाँ पे एक करेक्शन देखने मिलेगा या फिर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। जो भी आंकड़े वो सारे यहाँ पे करोड़ में देखने मिल रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम के नंबर की, तो 32,495 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 33,875 करोड़ के मुकाबले गिरता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको टोटल नंबर में गिरावट देखने मिल रही है इनकम में। साल दर साल भी देखेंगे तो 37,751 करोड़ से घट के ये नंबर 32,495 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। तो टोटल इनकम का जो नंबर है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही फ्रंट पे गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस कितना होता हुआ दिख रहा है, 30,606 करोड़ का एक्सपेंस इस क्वार्टर में है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 33,284 करोड़, और लास्ट ईयर देखें तो 33,857 करोड़। तो साल दर साल आपको एक्सपेंस गिरती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे इनकम के साथ साथ एक्सपेंस में भी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर साल दर साल में आपको गिरावट देखने मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,888 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, 1,412 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 603 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं तो 2 गुने से ज्यादा प्रॉफिट का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साल दर साल देखेंगे तो 2,915 करोड़ से घट के 1,412 करोड़, यानी कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधे से भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। तो आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन साल दर साल करेंगे तो आपको यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 1,450-1,460 करोड़ के आसपास की थी। तो कंपेरेटिवली अगर आप देख रहे हैं तो वहां से आपको थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है नतीजों में, एक्सपेक्टेशन से थोड़े नीचे जो है नतीजे आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ईपीएस की, किस तरीके की ईपीएस इस क्वार्टर में कंपनी क्लॉक कर रही है, तो 2 रुपए 15 पैसे की ईपीएस जो है वो आपको आती हुई दिख रही है। पिछले क्वार्टर में थी 0.92 की और लास्ट ईयर थी 4.38 की। तो साल दर साल ईपीएस में लगभग आधे से ज्यादा गिरावट हो गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस जो है 2 गुने से ज्यादा की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक प्राइस में अगर आप देखेंगे किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आज एक गैप अप देखने को मिला था, कहीं ना कहीं नतीजों के बाद स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। 122-123 रुपए तक का जो हाई लगा था आज के दिन में, और उसके बाद वहां से अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक करेक्शन देखने मिल रहा है। बहुत शानदार रैली जो है इस पिछले 1-1.5 महीने में देखने मिली, पूरे जुलाई सीरीज के लिए बहुत शानदार है। 104 रुपए से रैली चालू हुई, 123 रुपए तक जाते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे मिनट के चार्ट में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे नतीजों के बाद रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है, तो आपको देखने मिलेगा नतीजे मार्केट को खास पसंद नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल रही है और मार्केट नतीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 122-123 रुपए वो लेवल है जिसके पार निकलने पे आपको एक तेजी देखने मिल सकती है। और अगर हम गिरावट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा आज एक गैप अप हुआ था यहाँ पे नतीजों से पहले, और गैप अप जो है वो कहीं ना कहीं फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं 118 रुपए के आसपास ये स्टॉक एक बार के लिए बॉटम में आ सकता है। 116-118 एक सपोर्ट रेंज होगी, क्योंकि पिछले अगर आप कुछ दिनों में देख रहे हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट जो था वो आपको देखने मिला था 113-114 रुपए के ऊपर, और उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी तेजी हुई थी और यहाँ पे फिर सस्टेन होकर आज फिर एक गैप अप हुआ। नतीजों के बाद थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा है, वॉल्यूम आज अच्छे खासे होते दिख रहे हैं, लगभग 54 मिलियन शेयरों के वॉल्यूम अभी तक हो चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या ये स्टॉक वापस 115-116 की रेंज में आता है नहीं आता, नतीजे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करे, शेयर करे, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।